हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ नॉइज़ की तरफ से आने वाला ये एक ईयरबड मिनी, जो कि हाल ही में नॉइज़ ने लॉन्च किया है, फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे लॉन्च हुआ है और मैंने इसे प्री ऑर्डर में ऑर्डर दिया था। ये मुझे पड़ा है 1299 का, मतलब 1299, करीब करीब 1300 रुपये का पड़ा है और ये मुझे कल ही डिलीवर हो गया था, बट समय नहीं मिलने की वजह से मैं अनबॉक्स नहीं कर पा रहा था। तो आज इसको अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे इसका फर्स्ट हैंड लुक कैसा है और ये इसका जो परफॉर्मेंस है वो मुझे कैसा मिलता है, सारा डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या क्या है। तो ये है फ्लिपकार्ट का बॉक्स, थोड़ा डैमेज हो गया है बॉक्स, लुढ़कते फुड़कते लगता है मेरे तक आया है। इसको खोलते हैं, और कुछ नहीं, रिसिप्ट और ये हम लोग को मिलता है। बॉक्स को रख देते साइड। ये है नॉइज़ का एयरबड मिनी। इस पर बॉक्स को पहले रैपर इसका हटा लेते हैं, जो इस पर एक पन्नी है, उसके बाद देखेंगे बॉक्स पे क्या क्या मेंशन किया गया है। सबसे आगे ही बॉक्स पे एयरबड मिनी और उसका फोटो बना हुआ है। इस साइड लिखा है ट्रूली वायरलेस ईयरफोन डिज़ाइन इन इंडिया, लिसन टू द नॉइस विद इन। इसके बैक साइड में जो डिटेल मेंशन किए गए हैं उसमें सबसे पहला है कि ये जो वेरिएंट है ये जेट ब्लैक वेरिएंट है एयरबड मिनी। 14.2 mm साउंड ड्राइव का सिस्टम है इसमें, मतलब इसका जो साउंड क्वालिटी है वो 14.2 बेस्ड ड्राइव पे काम करता है। फुल टच कंट्रोल है, 1 की रीसेट बटन, हाइपर सिंक, ये सब और भी कुछ इसमें फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो और कुछ तो है नहीं, इसका जो इस पर MRP लिखा है, अगर मैं देख के बताऊँ तो 2999 लिखा है, मतलब 3000 का इस पर जो है MRP मेंशन किया गया है। बट अगर आप लोगों ने इसे फ्लिपकार्ट के प्री ऑर्डर सेल में ख़रीदा होगा तो ये आपको 1300 रुपये का पड़ा होगा, और वैसे इसकी वैल्यू जो है, मतलब फ्लिपकार्ट के सेल के बाद अगर आप इसे ख़रीद रहे हैं तो ये आपको 1500 रुपये का पड़ेगा। तो इसको खोलते हैं, सबसे पहले सील यहाँ से काट लेते हैं, दोनों साइड सील है। तो बॉक्स के अंदर ये एक और बॉक्स मिलता है, इसको हम लोग खोलते हैं, ये इस हिसाब से खुलेगा। सबसे पहले क्या है, एक कार्ड है, वी आर ग्रेटफुल, मतलब वेलकम कार्ड है, रजिस्टर योर वारंटी। इसको स्कैन कर लेंगे आप, आपका वारंटी रजिस्टर हो जाएगा, मतलब आपको आपका जो इनवॉइस होगा उसको फ़ोटो खींच के भेजना होगा तो ये रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, वेलकम कार्ड हो गया। फिर नॉइज़ ईयरबड्स के बारे में कुछ डिटेल मेंशन किए गए हैं इस कार्ड पे। थर्ड हम लोग को मिलता है इसके बाकी डिटेल की, नॉइज़ के ये कैसे वर्क करते हैं बाकी डिटेल है, तो ये सब हम लोग साइड रख देते हैं। तो ये फोम का कुशन है, इसको निकालते हैं और ये इस टाइप के कुछ अच्छे से पैकेजिंग में आता है। इसको हम लोग एक सेकंड के लिए साइड रख देते हैं और पहले बाकी बॉक्स कंटेंट चेक कर लेते हैं। इस साइड हम लोग को ओके, टाइप सी 2 USB वाला एक चार्जर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है कि टाइप सी प्रोवाइड करिए नॉइज़, ये अच्छा प्लस पॉइंट है। और कुछ नहीं है, इसको साइड रख देते हैं। ये है एयरबड मिनी, इसको हम लोग खोलते हैं। इसका जो पैकेजिंग है काफ़ी मुझे इम्प्रेस किया, काफ़ी अच्छा पैकेजिंग है। और इसको ओके, ये है नॉइज़ एयरबड्स, आप देख सकते हैं। सबसे आगे नॉइज़ का लोगो है, बैक साइड में नॉइज़ लिखा हुआ है, फिर नीचे जो है टाइप सी पोर्ट है, और इधर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 की रीसेट बटन है यहाँ पे। ये तो ये है वो नॉइज़ का एयरबड मिनी। खोलते ही हम लोग को ये दो है जो नॉइज़ के एयरबड्स, काफ़ी अच्छी है, मतलब इसकी जो पैकेजिंग है, मतलब इसकी जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अच्छा मैग्नेट है, आई कैन फील इट। ये जो है एप्पल के टाइप का कुछ कुछ एयरबड है, मतलब इसका जो डिज़ाइन है एप्पल के टाइप का बनाया गया है, जो कि अच्छी बात है। अब आप इसके ईयरबड्स को देखेंगे तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगाएंगे, तो इस एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन को आप ऐसे हटा दीजिए, एक पहला हट गया और इसमें भी है, इसको भी हम लोग हटा देते हैं, ये दोनों हटा दिए हम लोग। काफ़ी एकदम छोटे से हैंडी लुक में है ये। तो अब इसको हम लोग मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है और बाकी फ़ीचर्स। तो उसके लिए आप लोग अपना मोबाइल ले लीजिएगा, ये आप देख सकते हैं इन दोनों में लाइट ब्लिंक हो रही है। तो अब इसे कनेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे मोबाइल में मेरे शो कर रहा है एयरबड मिनी, इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग।
पेयर एंड इट इज पेयर्ड। सबसे पहला जो इसका स्पेसिफिकेशन है वो है कि ये IPX4 के वाटरप्रूफिंग रेटिंग के साथ आता है। दूसरा जो इसका मेन स्पेसिफिकेशन है वो है कि इसमें जो ब्लूटूथ का वर्जन है वो है 5.0। फिर इसका जो चार्जिंग टाइम है वो जो कंपनी क्लेम करती है कि 2 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और इसका जो प्लेबैक टाइम है वो 3.5 घंटे का है एट 60% ऑफ वॉल्यूम। अगर आप इसका जो वॉल्यूम है अप डाउन करना चाहते हैं तो सिर्फ एक बार यहाँ पर टैप करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम अप डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये इस साइड जो एरिया है ये टच सेंसिटिविटी है। तो कॉल आंसर करने के लिए इसमें आपका जो ये एरिया है यहाँ पे आपको डबल टैप करना होगा, और कॉल रिजेक्ट करने के लिए आपको 2 सेकंड तक इसको दबाए रखना होगा, ठीक है। अगर आप वॉइस असिस्टेंट यूज़ कर जैसे कि गूगल असिस्टेंट और एप्पल सीरी, तो आपको जो टच सेंसिटिविटी एरिया है यहाँ पर आपको 3 बार टैप करना होगा, आपका जो असिस्टेंट है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो यही कुछ थे इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में और डिटेल्स के बारे में। काफ़ी अच्छे ये ईयरबड है, इसका जो साउंड क्वालिटी मैंने टेस्ट किया है काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहा है। मतलब अगर आप इसे एक्सरसाइज करते समय यूज़ करेंगे तो काफ़ी आपको फील आएगा, काफ़ी अच्छा है, और गेमिंग करते समय भी काफ़ी अच्छा फील आएगा। इसका जो बेस है काफ़ी अच्छा है, तगड़ा है, इसका फिजिकल लुक भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल इसका जो मैं रेटिंग देता हूँ 4.5 out of 5, काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा इस प्राइस रेंज में ये ऐसा मिलना। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको नॉइस ईयरबड मिनी को लेकर कोई भी आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो मुझे पूछिएगा, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख चुके हैं तो लाइक किए बिना जाइएगा नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।